गुड्डी जी, आप ही रिकॉर्डिंग कर लीजिए प्लीज। म्यूजिक ठीक है अभी या कम ज्यादा कुछ करना है? एक बार देख लीजिए। थोड़ा सा कम कर दीजिए, हो सकता है अपना अपना एडजस्ट कर लेंगे बाकी सब लोग। जिन्हें नहीं पता है वो अपने पैरों को क्रॉस कर लें, अपने उंगलियों में उंगलियां फंसा लें ऐसे, और अपनी आंखों को बंद करके ध्यान की मुद्रा में बैठ जाएं और सिर्फ अपनी सांसों में ध्यान लगाएं। मास्टर्स, आने वाली सांस और जाने वाली सांस, सिर्फ अपनी सांसों में ध्यान। और हो सके तो अपनी विंडो ऑन कर लीजिए, क्योंकि विंडो ऑन करने से हमारी ऊर्जा ज्यादा बढ़ती है, हमें ज्यादा ऊर्जा मिलती है। सब लोग ध्यान मुद्रा में बैठ जाएं प्लीज। संतोषनी मैम, वेलकम। थैंक यू मैडम, आत्मवंदन। मैम सब में दिव्य मंगल दृष्टि कर दीजिए। ओके ठीक है। ओहो, मैम मेडिटेशन स्टार्ट किया बोल के चुप रहे ही नहीं। जी आप ओके कीजिए मैम। या फ्रेंड्स, हाय एवरीवन, दिस इज संतोषनी फ्रॉम हैदराबाद। या ओके, आप सब कैमरा ऑन कर लीजिए। हम 1 मिनट का दिव्य मंगल दृष्टि प्रैक्टिस करेंगे। ये दिव्य मंगल दृष्टि से हमको हमारा दृष्टि का एनर्जीज बढ़ते हैं। हम जो कोई को देखे तो प्यार से देख सकते हैं, वो भी हमको प्यार बांटते हैं। सो इसलिए हम दिव्य मंगल दृष्टि प्रैक्टिस करवाते हैं आपको भी। शैल वी स्टार्ट फ्रेंड्स? कैमरा ऑन कीजिए, मन में मन भरे प्यार से मुस्कुराते जी, हुए, मैम को पोस्ट बना दीजिए प्लीज। मुस्कुराते हुए दिव्य मंगल दृष्टि से प्यार भरे आंखों से देखना है। ओके फ्रेंड्स, शैल वी स्टार्ट? मुस्कुराना जरूरी है। वंडरफुल फ्रेंड्स, हेमलता जी हाय, हाय हनुमंतराव जी हाय, गुड्डी जी हाय, हाय मैडम, हाय नेहा जी, हाय सुमन चटवाल जी, हाय सरिता सुरेखा जी, हाय कालीचरण अग्रवाल जी नहीं दिख रहे, हाय। मुस्कुराना जरूरी है। नागराज जी हाय, बहुत हैप्पी टू सी यू। वर्कशॉप में आ गए सर, बहुत एनर्जी पाए हैं, बहुत बहुत हैप्पी से मुझे, मैं नहीं पहचाने, सर पहचान के मेरे पास आते हैं बात करें, हैप्पी फॉर दैट, थैंक यू सर। विवो V2144 हाय जी, संस्कृति जी हाय, मला जी हाय, सुरेंद्र हरियाणा हरिया जी हाय, रामलक्ष्मी जी हाय, रेणुका जी हाय, नरसिंह राव सर हाय, गीतांजलि जी हाय, लखोटिया हाय, पुष्पा जी हाय, महानत सरा
हेलो मैडम, थैंक यू। या हाय सर, सॉरी। केत्री नाइन, विजयलक्ष्मी जी हाय, सुमति जी हाय, कल्याणी जी हाय, एम लक्ष्मी जी हाय, मोनिका जी हाय, लीला जी हाय, विजय जी, आरके विजय जी हाय, अरुणावास दास जी हाय, हैप्पी टू सी यू। या हाय एवरीवन, दोज हु आर ऑफ देयर कैमरास, वेरी हैप्पी हैप्पी टू सी यू एवरीवन। मुस्कुराना जरूरी है थ्रू आउट द सेशन, देन यू विल गेट मोर एंड मोर एनर्जीज फ्रॉम आवर ग्रैंड मास्टर। जस्ट ऑब्जर्व इट, देन ऑनवर्ड्स। ओके, वेरी गुड फ्रेंड्स, विल वी स्टार्ट मेडिटेशन फ्यू मिनट्स, सर विल जॉइन। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। थैंक यू मैम। सब लोग ध्यान मुद्रा में बैठ जाएं, आंखें बंद, पैर क्रॉस। हाथ क्रॉस कर लें मास्टर्स, और अपने वीडियो ऑन रखें प्लीज। मैम सर ज्वाइन हुआ है, को होस्ट दीजिए। हाँ सर ज्वाइन हो गए, गुड्डी जी को होस्ट बना दीजिए। आत्मवंदन मास्टर्स, अंतर जगत से जिसने मिलाया, खुशियों से सांसों का मेल कराया, जो न कई सालों से सोया, मन की स्थिरता का दर्शन कराया, जिनको है सब कुछ बोध, आए हैं देव भूमि में प्रबोध। गुणा केसा मास्टर, ग्रेट ग्रैंड मास्टर प्रबोध अच्युता जी का हार्दिक अभिनंदन। सभी लोग तालियों से उनका अभिनंदन करेंगे। वेलकम सर। फ्रेंड्स, हम आज मन करते हुए ध्यान के लिए सोच विचार का आगे का बिना सोच विचार के कैसे ध्यान करते हैं और 10 टिप्स भी हम सीखते हैं, 10 सूत्र है, तो 10 इंसाइट्स, 10 स्टोरीज भी होगा, इनसाइड कुछ पॉइंट्स भी होगा, कुछ फॉर्मूलास भी होगा, इसके बारे में 10 पॉइंट्स सीख, 10 पॉइंट्स इसके, ठीक है, क्लियर क्लियर है तो सीख करके टाइप कीजिए। वॉइस कट आउट इन सर मध्य में, वॉइस क्लियर, और वॉइस क्लियर है क्या, फिर से लॉगिन बाबा को के लॉगिन कर, वॉइस मेरे में कट आउट हो रही है सर, क्या है, व्हाट इज दैट, कट हो रही है बीच बीच में सर वॉइस, ठीक है मैं देख रहा हूँ जी। गुड्डी जी म्यूजिक ऑफ कर दीजिए प्लीज, मैं फिर से एक बार लॉग ऑफ करके लॉग इन करता हूँ, देखते हैं। यस सर। संतोषनी मैम, आप सर के बारे में थोड़ा बताइए हमको तब तक। मैम आप बता दीजिए, मुझे हिंदी का थोड़ा दिक्कत है। मैम आप बहुत अच्छा हिंदी लगती है आपको। नहीं नहीं आप बता दिए ना, हम फिर इंट्रोड्यूस करेंगे, सर जॉइन हो गए, सर का टाइम अवेलेबल है। हाँ संस्कृति जी सर को कोस्ट बना दीजिए, हैंड रेज है। यस थैंक यू जी सर। फ्रेंड्स अभी एक मिनट मुझे को होस्ट करके कर लीजिए, और हम सभी लोग पहले 5-10 मिनट मेडिटेशन करते हैं, उसके बाद हमारा पूरा माइंड और ब्रेन एक्टिवेट हो जाते हैं ताकि वो फॉर्मूलास को पकड़ सके, हम हमारे लाइफ में इम्प्लीमेंट लेके आने के लिए हमको अच्छे से ब्रेन और बॉडी। अच्छा फिर से चेक कट हो रहा है क्या मेरा वॉइस, ठीक है क्या अभी, अभी सही है सर, सभी है ना, थैंक यू। ओके थैंक यू, प्लीज को होस्ट बना दीजिए सर को। वेरी गुड वेरी गुड, थैंक यू। सो फ्रेंड्स अभी हम पहले 5 मिनट, 5-7 मिनट तक मेडिटेशन करते हैं, उसके बाद हम अच्छे से वो पॉइंट्स सोच विचार के आगे कैसे जाना है
उसको फॉर्मूलास, हम फॉर्मूलास इनसाइड स्टोरी भी होगा कोई भी पॉइंट्स, 10 पॉइंट्स सीख गए। ओके थैंक यू फ्रेंड्स, हम अच्छे से आंखें बंद करके हुए फर्स्ट पॉइंट मुस्कुराते हुए कभी कभी हंसना भी मीन्स आपके घर में कोई मीन्स कोई भी है वो सीनियर मेडिटेटर से, तो हम खुल के हंसना भी, कोई नई है कोई अच्छा नया बंदा है तो तुम तब बिना साउंड के अंदर ही अंदर मुस्कुराते रहना। मुस्कुराना और हंसना बहुत ध्यान में बहुत हेल्प करते हैं थॉटलेस स्टेज में, वो पहले पॉइंट है। हैप्पीली इनहेल सांस लेते हुए और मुस्कुराते हुए, मुस्कुराना मुस्कुराने के बाद हंसने के बाद फील करना है कि हमारा, जब हम हंसते हैं हमारे अंदर से पॉजिटिव वाइब्रेशन आ जाते हैं, हम हृदय से हंसते हैं तो पॉजिटिव वाइब्रेशन पूरा ब्रह्मांड को मैं शेयर कर रहा हूँ, सबको मैं शेयर कर रहा हूँ, हैप्पीनेस शेयर कर लिया तो ग्रो होता है बढ़ जाते हैं। तो सब पहले एक दो मिनट हंसने से भी थैंक यू, पहले एक दो मिनट ऐसा हंसते हैं तो भी तब बहुत मददकारी होते हैं। उसके बाद एक बार फिर से एक बार लास्ट टाइम सांस लेते हुए इन्हेल पूरा हमारा हैप्पीनेस को शेयर कर रहा है विश्व को, विश्व से सबसे वेरी गुड। अभी ऑब्जर्व करना हमारे बॉडी में भौतिक शरीर में पॉजिटिव वाइब्रेशन तुरंत आ गया है। हैप्पीली सांसों के साथ हम है, लास्ट 4 मिनट्स हमारा बौद्धिक शरीर को रिलैक्स कर रहा है, हाथों को और पैर को, लेग्स एंड हैंड्स को रिलैक्स एंड रिलैक्स एंड रिलैक्स। वेरी गुड, मुस्कुराते हुए अच्छे से हम शरीर को रिलैक्स करते हुए सांसों के साथ है। तीनों ध्यान में सबसे बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, शरीर को भौतिक शरीर को रिलैक्स करते हुए पहले, दूसरा मुस्कुराते हुए हैप्पीली और तीसरा सांसों के साथ। आखिरी 2 मिनट
आपके लिए एक मिनट। शरीर को रिलैक्स कर रहा है, पेट भी रिलैक्स है या नहीं चेक करना, पेट भी रिलैक्स रखना है, आंखें भी रिलैक्स करते हुए आनंद से हैप्पीली आखिरी 30 मिनट 30 सेकंड सॉरी 30 सेकंड मुस्कुराते हुए हैप्पीली Five, four, three, two, one, 0. वेरी गुड फ्रेंड्स, कंटिन्यू करना। जिनको कोई आज ही नया आया तो इन करके टाइप कर लीजिए, आज ही नया है ध्यान का टेक्निक भी सीखना चाहते हैं तो बोले तो नया नया आ गया न्यू करके इन करके टाइप कर लीजिए। सो मैम सर लीव हो गए क्या? मैडम मे बी लॉग ऑफ हो गए हुई शायद। हम इसमें क्या 100 है ना, 100 में कोई तो भी लाइव देख के दीजिए, थोड़ा 10 मेंबर्स लेफ्ट होने के लिए आपके ग्रुप वालों को बता दीजिए। रेगुलर वाले रहते ना जी मैम, उन्होंने रेगुलर हमारा गुड़ा कैशा वाला है ना, उससे रिक्वेस्ट कीजिए, उन्होंने लिफ्ट हुए तो सारे ज्वाइन कर सकते हैं। हाँ हो गया मैम, हो गया मैम। गुड्डे जी सर को फिर 100 हुआ। हाँ लाइव हो गया मैम, फिर 100 हो गया। प्लीज जो बिगनर हैं प्लीज वो थोड़ा लेफ्ट हो जाएं तो सर। मैम मैं लेफ्ट हो जाती हूँ। नहीं मैम आप संभाल, कोई नहीं मैं लेफ्ट हो जाती हूँ सर। आ जाए 97 हो गया, आ गए। मैंने दूसरा कर दिया अपना, दूसरा नंबर मैंने लेफ्ट कर दिया। ओके 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 थैंक यू। हाँ को होस्ट बना दीजिए मैम गुड्डे जी। हाँ जी यस सर। ओके फ्रेंड्स थैंक यू। सो फ्रेंड्स सभी लोग लाइव में जाइए, थोड़ा स्पेस रख लीजिए ताकि ऑटोमेटिकली बहुत सारे नए नए लोगों को एंट्री मिल जाते हैं। ठीक है सो फ्रेंड्स कंटिन्यू करते हैं हम मेडिटेशन को। और जिन लोग नया है एक बार ध्यान का पद्धति ध्यान का टेक्निक भी एक बार सिखा रहा हूँ। नया है उन लोगों को हेल्पफुल होते हैं, बाकी का लोग जो ऑलरेडी ध्यान का टेक्निक जानते हैं वो कंटिन्यू करना एक बार, बाकी नया लोग एक बार आके ओपन करते हुए देखना। सो पहले क्या करना है, हाथ उंगलियों में उंगली डालते हुए हाथ में ऐसा हाथ ऐसा रखते हुए हमारा लैप में रखना है, हाथों को हमारा लेग्स के ऊपर रखना है, रिलैक्स करना है। उसके बाद लेग्स के
क्रॉस करते हुए हमारा सुखासन में बैठना है, नीचे बैठता तो ठीक है, नहीं तो चेयर में भी बैठ जाता है, थोड़ा लेग्स एक लेग के ऊपर एक नीचे ना ऐसा क्रॉस करते रखना है, ठीक है। उसके बाद आंखों को क्लोज करना, आंखें को क्लोज करना, तीन तीन लॉक है। पहले हाथों को लॉक करते हुए हमारा लैप में रिलैक्स रखना है और हाँ वेरी गुड। सो उसके बाद लेग्स को क्रॉस करते हुए रिलैक्स रखना है, आंखें बंद करना, वो तीन लॉक है। उसके बाद क्या करना है, इसके बाद हम स्थिर सुखासन में बैठना है, बिल्कुल हिलना जुलना ना ही है, सुखासन कंफर्टेबल पोजीशन में बैठना बैठना है। फ्रेंड्स अभी 100 हो गया है, कोई अंदर जिनको वो यूट्यूब कैसे ओपन करना है मालूम है, वो सारे लोग यूट्यूब में जाके सुन लीजिए ताकि नए लोग भी ज्वाइन हो सकते हैं। 100 का लिमिटेशन है ना, इससे आप ऐसा सेवा, ये भी एक सेवा है, ऐसा कर लिया तो आपको मेडिटेशन में बहुत सारा आगे जाते हैं, ये सेवा है। जिन लोगों को यूट्यूब कैसे ओपन करना है तो लेफ्ट साइड में लाइव करके एक लिंक है ना, लाइव को क्लिक कर ले तो एक लिंक आ जाता है, वो लिंक में ओपन करना है, यूट्यूब आ जाता है, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू, वेरी गुड, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। हाँ नहीं तो मैसेजेस में एक यूट्यूब का लिंक आ गया, उसमें जाके लाइवली अटेंड लाइव अटेंड कर सकते हैं, और थोड़ा लोग जाना है ताकि अभी 99 में चल रहा है तो और भी 10-15 लोग करें, कम से कम कभी भी 80 क्रॉस नहीं करना है क्योंकि कभी भी लोग आ सकते हैं ना, इसे तो थोड़ा स्पेस रख लीजिए। जिन लोगों को यूट्यूब ओपन कर करना आते हैं, नहीं तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में भी यूट्यूब का लिंक देने के लिए मैं कह रहा हूँ, ठीक है। क्या हम सीख रहे हैं, नया लोग हुए तो आप हाथों में हाथ रखते हुए उसके बाद क्या है हमारा हैंड्स को रिलैक्स करना है, लेग्स क्रॉस करते हुए आंखें बंद करते हुए हम स्थिर सुखासन में बैठना है। उसके बाद क्या करना है, तीन चीजें, उसके बाद तब तक आसन हो गया, तब तक उसके बाद तीन चीज है, क्या है, पहले मुस्कुराते रहना, स्माइल करते रहना, सेकंड है बॉडी को शरीर को रिलैक्स करते रहना, हमेशा ऊपर से नीचे तक चेक करना, चेक करते हुए पेट को रिलैक्स करना, आंखें को रिलैक्स करना, लेग्स और हैंड्स को रिलैक्स करते रहना। उसके बाद सांसों के साथ है, हम जब भी कोई सोच विचार आए तो कट करते हुए सांसों के साथ रहना है, यही सिंपल फॉर्मूला है, ओके। और एक मिनट ध्यान करते हैं ये फॉर्मूला से, आनंद से सांसों को एंजॉय करते हैं। बाय और थ्री टू 1-0 थैंक यू फ्रेंड्स। सो अभी फ्रेंड्स अभी हम सोच विचार का बिना कैसे ध्यान करना है, क्योंकि इसके बारे में हम कुछ फॉर्मूला सीखते हैं, लर्न करते हैं। पहले फॉर्मूला है, फर्स्ट फॉर्मूला है स्माइल। ये स्माइल बहुत हेल्प करते हैं आपको, कभी भी अच्छे से बहुत कितना अच्छा स्माइल आपके फेस में रहते हैं, आपके हृदय में और स्माइलिंग का वाइब्रेशन रहते हैं, आपका शरीर में एक एक कण में स्माइलिंग का वाइब्रेशन एक फील आ रहा है अच्छे से। स्माइल भी हल्का सा 10% है, 100% सच्चे से एक फेस एक लाइट जैसा आना है आपके फेस में, स्माइल आया तो आपका ध्यान को बहुत क्वालिटी इंप्रूव हो जाता है फ्रेंड्स। ये बहुत बार मैं टेस्ट करके बहुत सारे लोगों को बता के बहुत सारे लोगों को थॉट स्टेज आ गया है बहुत फॉर्मूला से। इसमें स्माइल एक फंडामेंटल और फॉरमोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है, सभी लोगों को स्माइल अच्छा स्माइल फॉर्मूला से हमको हमारा ध्यान को इम्प्रूव हो जाता है करके कॉन्फिडेंस आया तो एस करके टाइप कर लीजिए, स्माइल एस करके टाइप कर लीजिए, ओके वेरी गुड। और सेकेंड फॉर्मूला है रिलैक्सेशन, बॉडी को रिलैक्स करना है। सो बॉडी और माइंड दोनों लिंक है, एक लिंक रहते हैं, ऑटोमेटिकल लिंक रहते हैं, तो लिंक को यूज करते हुए क्या करना है, बॉडी को फिजिकल बॉडी को हम रिलैक्स करना है।
सो ये फॉर्मूला बहुत सारा रिसर्च के बाद मैं बता रहा हूँ इसमें इसके क्यों ऐसा रिलैक्स करते तो क्यों माइंड भी रिलैक्स होते हैं क्योंकि उसको बताना है तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स से कैसे मैं ये फॉर्मूला को इन्वेंट कर लिया वो सारे बताना ऐसे टाइम लग जाते हैं तो इसे आप जस्ट फॉर्मूलास को नोट करते हुए इंप्लीमेंट कर लीजिए और यूज हो जाते हैं आप कैसे करना है रिलैक्सेशन आंखें रिलैक्स करना चेक करते रिलैक्स करना है उसके बाद थ्रोट और नेक शोल्डर्स रिलैक्स करना है और हैंड्स को हैंड्स में मसल्स को रिलैक्स करना है पेट ना सीने को और पेट को स्पेशली पेट इंपॉर्टेंट पेट और आंखें स्टमक और आंखें दोनों इंपॉर्टेंटली रिलैक्स करना है कभी कभी हम ना टेंशन से पेट को अंदर पकड़ते हुए तो आंखें माथे पे कुछ टेंशन ऐसा फेस एक्सप्रेशन आपके ध्यान में बहुत इंपॉर्टेंट है फेस एक्सप्रेशन से पता चल जाता है फेस इज अ इंडेक्स ऑफ माइंड करके कहते हैं ना स्पेशली फेस एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है फेस एक्सप्रेशन अच्छे से स्माइल करते रखते हुए तो आपके ध्यान में बहुत हेल्प हो जाता है उसके बाद कभी कभी आपको ना टेंशन में कोई सोच ये माथे पे एक ये नॉट रहे नॉट नहीं रहे ऐसा ऐसा करते हुए ऐसा नहीं रहे रिलैक्स रखना थोड़ा फेस में मुस्कुराते हो तो ऑटोमेटिक ये रिलैक्स हो जाते हैं माथे रिलैक्स आंखें भी रिलैक्स करते हैं हैंड्स को रिलैक्स करना है शरीर को पेट को लेग्स को तो रिलैक्स करते हैं है ना रखना है कभी भी सोच विचार आए तो कट करते हुए फिर से क्या करें स्माइल करना है फिर से एक बार बॉडी को पूरा रिलैक्स करना है रिलैक्स करते उसके बाद सांसों को ऑब्जर्व करना है सेकेंड पॉइंट फर्स्ट पॉइंट स्माइल है सेकेंड पॉइंट रिलैक्सेशन है जितना आप रिलैक्स करते हो उतना अच्छे से आपको थॉटलेस स्टेज आ जाते हैं ठीक है अभी ये दोनों पॉइंट्स करते हुए फिर से एक एक मिनट मेडिटेशन करते उसके बाद बाकी का पॉइंट्स लर्न करते हैं रेडी 1 2 3 स्टार्ट स्माइल रिलैक्स ऑब्जर्व ब्रेथ ब्रेथ के साथ आनंद से 1 0 वेरी गुड वेरी गुड फ्रेंड्स सभी को अब सभी को अप्रिशिएशन ओके सो क्यों अप्रिशिएट कर अभी मैं थर्ड पॉइंट है अप्रिशिएशन मेडिटेशन के बाद अप्रिशिएशन करना है हम अच्छा से मेडिटेशन कर लिया ऐसा सेल्फ अप्रिशिएट वेरी गुड करके रख ना अप्रिशिएट करना खुद को अप्रिशिएट करना ये थर्ड पॉइंट ठीक है सो इससे भी ना क्या हो जाते हैं आपका लाइफ में कभी किसी को आपका टीचर ने अप्रिशिएट कर लिया तो उस सब्जेक्ट में बहुत एक्सेल हो जाते हैं बहुत इम्प्रूवमेंट हो जाते हैं ना कभी आपका एक्सपीरियंस है तो ऑलरेडी एक्सपीरियंस ई करके टाइप कर लीजिए कोई भी टीचर को आपको अप्रिशिएट कर लिया था ना वेरी गुड करके कह दिया तो आप आपको क्लियरली अरे टीचर वेरी गुड कह दिया करके आप क्लियर आपकी शक्ति पूरा विस्तार एक्सपैंड हो जाते हैं पूरा सब्जेक्ट में पूरा मार्क्स अच्छे से आ जाते हैं आप बहुत अच्छे से रहते हैं है ना देख लीजिए बहुत सारे लोग एक्सपीरियंस हो गया करके टाइप कर रहे हैं आप यूट्यूब में रहते तो भी तभी ई करके टाइप करना है वेरी गुड सो फ्रेंड्स ऐसा ही हम जब भी हमको खुद को अप्रिशिएट कर लिया हमारा मेडिटेशन को अप्रिशिएट कर लिया तो आपको मेडिटेशन का क्वालिटी बहुत बढ़ने वाला है क्या करते हैं हम अच्छे से नहीं हो रहा है मेडिटेशन और सारा ऐसे कंप्लेंट्स करते हैं तो मेडिटेशन इंप्रूव कभी नहीं होते फ्रेंड्स मेडिटेशन में आप चला जाते सेपरेट हो जाते क्या करना है मेडिटेशन को अप्रिशिएट करो जब भी मेडिटेशन करने के बाद वेरी गुड करके सभी गुरुओं का गुरु आपके हाथ में आ गया करके फील करते हैं वेरी गुड करके अप्रिशिएट करना ओके ये थर्ड पॉइंट है ठीक है और फोर्थ पॉइंट है ग्रैटिट्यूड ग्रैटिट्यूड से भी क्या हो जाते हैं बहुत हेल्प मिल जाते हैं ठीक है सो ग्रैटिट्यूड का क्या करना है उसके बाद लास्ट में नमस्कार मुद्रा करके थैंक यू गुरु करके एक बार हृदय से थैंक यू ऑल द गुरुस थैंक यू ऑल द गुरु शिक्षक क्या है फॉर एग्जांपल मैं एक बात बताता हूँ एक पर्सन को मैं एक चीज एक हेल्प कर लिया वो आके बहुत हृदय से बहुत अच्छे से छोटा सा हेल्प ही मेरे 100 रुपीज ही दे दिया फॉर एग्जांपल छोटा सा हेल्प ही बहुत अच्छे से हृदय से थैंक यू करके कह दिया उन्होंने बहुत हृदय से अच्छा ही
इतना ही छोटा सा हेल्प से ही इतना थैंक यू, अच्छे से हेल्प कर रहा है करके मेरे मन में है। और तब तो नेक्स्ट टाइम और भी बड़ा हेल्प भी 10,000 रुपीज में दे दिया, देना है तो अभी दे देते हैं इनको। हाँ इनको ग्रेटिट्यूड है, इनको मैं दे कुछ भी दे सकता हूँ, कुछ भी दे के इनको अच्छे हैप्पी रख सकता हूँ, क्योंकि मेरे अंदर आ जाते ना एक फीलिंग आ जाते ना। तो आप अग्री करते हैं तो ये करके टाइप के बच्चे जिनको ग्रेटिट्यूड है आपके प्रति, आपके पास आके बहुत थैंक यू, बहुत आपका हेल्प अच्छे से कर लिया, थैंक यू मुझे लाइफ में बहुत हेल्प हो गया, हम और भी हेल्प करने के लिए ओपन अप हो जाते हैं ना। ऐसा ही सभी गुरु गुरु शक्ति को ग्रेटिट्यूड भी कहने से और गुरु शक्ति गुरु कृपा और भी बरसते हैं, क्योंकि एक विष्णु का फॉर्मूला है, सिंपल फॉर्मूला, और हमारा ग्रेटिट्यूड से हमारा पूरा पॉजिटिव फीलिंग आ जाते, तो क्यों नहीं हम ग्रेटिट्यूड कहना। इसलिए हम ना मेडिटेशन के बाद अप्रिशिएट, वेरी गुड अप्रिशिएट करना है, सेल्फ अप्रिशिएट वेरी गुड करके उसके बाद क्या करना है, नमस्कार मुद्रा में थैंक यू थैंक यू थैंक यू ऑल द गुरुस करके एक बार थैंक यू कहना, ठीक है फ्रेंड्स। सो ये फोर्थ पॉइंट हो, एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूँ। फर्स्ट स्माइल है, सेकेंड है रिलैक्सेशन, थर्ड अप्रिशिएशन, फोर्थ है ग्रेटिट्यूड, फिफ्थ पॉइंट है डिवाइड एंड कॉन्कर पॉइंट, ठीक है डिवाइड एंड कॉन्कर। सो क्या है, हम 10 मिनट मेडिटेशन कर लिया तो कभी कभी मन इधर उधर चला जाते हैं, सारा पता ही मिल सकता है ना। तो इसलिए क्या करना है, पहले एक एक मिनट मेडिटेशन कर लीजिए, एक एक मिनट आराम से स्माइल करते हुए, एक एक मिनट में मेडिटेशन में आपका थोड़ा एक ही मिनट है करके क्या हो जाता है, माइंड भी थोड़ा अलर्ट रहते हैं ना, आपको थोड़ा विजय का एक स्फूर्ति मिल जाते हैं, हाँ मैं सक्सेसफुल है, बहुत कम तौर से आगे करके। तो क्या है, उससे बहुत एंकरेजमेंट हो जाता है, मोटिवेशन हो जाता है, पहले एक एक मिनट से स्टार्ट करना है, ठीक है। सो ये फिफ्थ पॉइंट क्या है, डिवाइड एंड कॉन्कर, डिवाइड डिवाइड बोलते फर्स्ट छोटे छोटे मेडिटेशन करना है, उसके बाद धीरे धीरे से बड़ा बड़ा मेडिटेशन भी करना है। तो पहले क्या करना है, दिन में पूरा दिन में एक एक मिनट के, सुबह उठने से उठने के बाद एक मिनट मेडिटेशन करना, उसके बाद बाथरूम में ब्रश करने के पहले आंखें बंद करते हुए 10 सेकंड या एक मिनट मेडिटेशन करना है, 10 सेकंड 20 सेकंड बीच बीच में पूरा दिन में ऐसा 10 सेकंड का 20 सेकंड का एक एक मिनट का। नहाने के बाद टैप ओपन कर लिया, बकेट तो बढ़ रहा है, तब तक आंखें बंद करते हैं, सांसों को ऑब्जर्व करते हैं, रिलैक्स रखना है, स्माइल करते हुए एक एक मिनट मेडिटेशन, 10 सेकंड 20 सेकंड का मेडिटेशन। अभी नहा लिया, 2-3 मग ले लिया, उसके बाद साबुन अप्लाई करना है, अप्लाई करने के पहले 10 सेकंड एक दो सांसों को ऑब्जर्व कर रहा है, मुस्कुराते हुए ऐसा धीरे धीरे से छोटा छोटा मेडिटेशन ज्यादा करते हैं। एक मेडिटेशन तो हम लॉन्ग मेडिटेशन रख सकते हैं 10 मिनट का, नहीं तो आधा घंटे कम से आधा घंटे मेडिटेशन, एक मेडिटेशन रखना है, बड़ा मेडिटेशन भी रखना है, पर क्या हो जाए छोटा छोटा मेडिटेशन से आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाते हैं। और पहले पहले 10 सेकंड का 20 सेकंड का 1 मिनट का, उसके बाद 2 मिनट का 3 मिनट का, ऐसा नहीं धीरे धीरे से आपको कॉन्फिडेंस लेवल और आपका शक्ति और माइंड पावर में बढ़ जाते हैं, आपका ऑटोमेटिकली एनर्जी बढ़ जाता है, उससे ऑटोमेटिकली बेनिफिट हो जाते हैं। सो क्या है फिफ्थ पॉइंट क्या है, डिवाइड एंड कॉन्कर, छोटा छोटा मेडिटेशन भी करना है, एक बड़ा डेली एक बड़ा मेडिटेशन भी करना है, ठीक है। सो अभी इससे हाँ ये 5 पॉइंट्स को रखते हुए डिवाइड एंड कॉन्कर, डिवाइड का छोटे छोटे हिस्से करके आपको विजय को फील करना है, सक्सेस को फील करना है, यस एक मिनट में अच्छा से हो गया, अच्छा से मेरा मेडिटेशन अच्छा हो गया करके ऐसा फील करना है। सो पहले पॉइंट 5 पॉइंट करते हुए हम अभी मेडिटेशन करते हैं, एक मिनट मेडिटेशन, मुस्कुराते हुए आंखें बंद कर लिया है, हाँ हाँ रिलैक्स करते हुए स्माइल करते हुए, आंखें रिलैक्स, पूरा हैंड्स लेग्स रिलैक्स, चमक भी रिलैक्स, मुस्कुराते हुए सांसों के साथ है, कोई सोच विचार आए तो कट करते होंगे, मुस्कुराते हुए अच्छे से मुस्कुराते हुए बॉडी को रिलैक्स करो, ऊपर से नीचे तक स्कैन करना, ऊपर से आंखें रिलैक्स है, फेस रिलैक्स है, माथा फोरहेड रिलैक्स है, शोल्डर्स हैंड्स चेस्ट स्टमक पूरा
upper body made by lower body, legs and knees and thighs, everything, pura body relax, relax, relax. पेट को रिलैक्स रखना है अच्छे से, फेस में स्माइली का वाइब्रेशन पूरा बॉडी में, हृदय में भी। टू वन, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, जीरो, वंडरफुल, वेरी गुड। भी अच्छे से अप्रिशिएशन करना है, वेरी गुड, वेरी, क्लैप्स करते हैं, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वंडरफुल, वंडरफुल, वंडरफुल। अभी सेल्फ पैटिंग अप्रिशिएशन कंधे के ऊपर, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। उसके बाद नमस्कार मंत्र में सभी गुरुओं को ग्रेटिट्यूड, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, हृदय से गुरु शक्ति को विश्व में पूरा अखंड मंडलाकार चराचर पूरा विश्व में जो गुरु शक्ति है, थैंक यू, ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड, थैंक यू, अहो भाव, थैंक यू, वननेस, वननेस, वननेस। इसके बाद आप रब करते हैं, हैंड्स को रब करते हैं, आंखें के ऊपर रख सकते हैं, 5, 4, 3, 2, 1, 0, थैंक यू। ऐसा ऐसा आंखों को एक दो तीन बार ऐसा रब करते हुए आंखें के ऊपर रखता तो हमारा एक एनर्जी आंखी को भी मिलता है करके ऐसा फीलिंग आ जाते हैं, तो ऐसा भी कर सकते हैं आप। ठीक है फ्रेंड्स, ये छोटे छोटे टिप्स है, 5 टिप्स है, और भी टिप्स मैं बताता हूँ। ओके, अभी तक आपको कनेक्टेड फील हो रहा है क्या? ये टिप्स हेल्पफुल हो जाते हैं साइंटिफिकली भी, मैं बहुत सारा रिसर्च करके इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, तो आपको हेल्पफुल हो जाते हैं करके आपको लग रहा है था, कॉन्फिडेंस आ रहा है, सीख करके टाइप के लिए कॉन्फिडेंस आ रहा है। ये 5 टिप्स मेरे से मुझे लर्न करने से रेगुलर मेरा मेडिटेशन में बहुत इंप्रूवमेंट आ जाते हैं, वेरी गुड, कॉन्फिडेंस आ रहा है ना, वेरी गुड। सो फ्रेंड्स, और भी एक टिप है कि रेगुलर मेडिटेशन, ओके, रेगुलर मेडिटेशन इज नंबर वन। ओके, और नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट है कि हैप्पी रखना है, सेल्फ को, खुद को हैप्पी रखना है हमेशा, जितना हो सकता है उतना हैप्पी रखना है। और इसके लिए क्या है, एनर्जी को मनी जैसा ट्रीट करना है, क्या करना है, एनर्जी को मनी जैसा ट्रीट करना है। क्या है, हम फॉर एग्जांपल कोई किसी ने हमको गाली दे दिया तो आप भी गुस्सा हो जाते तो क्या हो जाते हैं, एनर्जी कम हो जाते हैं, इसलिए गुस्सा नहीं होना। तो आपको सैडनेस, बच्ची दुख हो गया, अच्छा मुझे ही क्यों ऐसा कर रहा है, ऐसा सैडनेस नहीं फील करना है, फील करें तो हमारा एनर्जी जा रहा है ना। एग्जाम आपके जेब में 100 रुपीज और 10-10 रुपए इधर रास्ते में फेंकते हुए नहीं जाते ना, हम सेव करते हैं 100 रुपीज अच्छे से रखते हैं जेब में ही, पॉकेट में ही रखते हैं ना, तो बैंक में डिपॉजिट करते हैं 100 रुपीज, 100 रुपीज, 100 रुपीज, 1000 रुपीज, ऐसा डिपॉजिट करते हैं, डिपॉजिट करते हैं, एक दिन करोड़पति हो जाते हैं। सो फ्रेंड्स, करोड़पति जब हो जाते हैं तब 1 करोड़ रुपए हो जाते हैं, तब से आपको करोड़पति करके बोलते हैं ना, ऐसा ही एनलाइटनमेंट करके एक स्थिति है, वो स्थिति